हेलो भारत के वीरों कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की नीट की प्रिपरेशन आई होप सभी का बहुत अच्छा नीट का प्रिपरेशन चल रहा होगा और एक गुड वे में आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों बच्चों के लिए जिनका ऑलरेडी रिविजन हो चुका है और जो रिविजन करके टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं और वो बच्चे जिनका अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ वो लास्ट मोमेंट जितने रिमेनिंग टाइम है उसमें क्या आप गुड वे में अपने प्रिपरेशन को कैसे ले जा सकते हैं और जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं उनको क्या क्या लुक फॉलो नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए एग्जाम टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए क्या हमें फॉलो करना चाहिए थ्री घंटे का जो एग्जामिनेशन टाइम है उसको कैसे इफेक्टिवली मैनेज करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर और समझते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या होने वाला है ओके नीट 2023 का लास्ट 20 डेज स्टडी प्लान हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है कि अगर मैं बात करूं यहां पे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट तो दो तरीके का फ्रेशर और दूसरा जो होंगे कैंडिडेट फ्रेशर का मतलब यह तो तो प्यारे बच्चों कि जिनको यह नहीं पता कि एग्जामिनेशन का पैटर्न किस तरीके से आने वाला है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है इसमें जो क्वेश्चन होएगा किस तरीके से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे सारा कुछ उनको लिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम होएगा ओके और इसमें सीरियस का मतलब यह है नाइन्थ क्लास में अगर मान लीजिए आपने माइंड सेट कर लिया था कि मेरे को डॉक्टर बनना है एमबीबीएस करना है या फिर प्लस वन में आपने स्टेडिजी दो साल पूरा प्रॉपर ढंग से आपने प्रिपरेशन किया है तो वो सीरियस वाले कैंडिडेट हो जाएंगे नॉन सीरियस वाले मतलब कि मान लीजिए उनको गलती से लग रहा था कि मैं मेडिकल क्यों लिया ओवर थिंक कर रहे थे वो पढ़ नहीं पा रहे थे लास्ट का फोर फाइव मंथ्स में उनको दिमाग में आया कि हाँ मुझे भी नीट करना चाहिए तो नीट से एक गुड लेवल पर डॉक्टर अगर गवर्नमेंट सीट मिल गया तो बन सकता हूँ है ना ये बन सकती हूँ तो वो नॉन सीरियस कैंडिडेट में आ जाएंगे तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन लास्ट ट्वेंटी डेज तो ये जो स्टडी प्लान है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों बच्चों के लिए जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे थे और या फिर जिनका प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे नहीं हुआ तो अपने स्कोर को बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों टाइम मैनेजमेंट पे सेकंड हम लोग चर्चा चर्चा करेंगे सोर्स ऑफ स्टडी कहाँ से हमें स्टडी करना चाहिए इसका रिविजन प्लान क्या होना चाहिए हाउ टू राइट टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज हमें किस तरीके से लिखना चाहिए टेस्ट सीरीज में क्या मिस्टेक्स होती है किस तरीके से हमें इसको एनालिसिस करना चाहिए उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे लिस्ट ऑफ स्कोरिंग टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपका बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में वो सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे थ्री आवर्स गेम प्ले थ्री आवर्स गेम प्ले इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर बात करें ना तो नीट एग्जाम जैसे आप ओ एम आर फील कर रहे हैं प्यारे बच्चों तो उस बात का ध्यान रखिएगा उस पॉइंट पे कि आप जैसे थ्री आर्स के गेम खेल रहे होंगे ना तो एक तरीके से अगर आपका स्कोर गुड लेवल पे जा रहा होगा अगर एक्यूरेसी सही होगी आप स्पीड बिल्कुल आपका सही होगा तो बिल्कुल आप स्कोर करके एमबीबीएस कॉलेज में जा रहे होंगे डॉक्टर बन रहे होंगे इनफैक्ट ओके okay? और अगर थोड़ा सा आपने मिस्टेक किया तो आउट ऑफ द कॉलेज हो जाएंगे मतलब कि आपको गवर्नमेंट सीट तो चलिए कि अगर आप गुड लेवल में स्कोर नहीं आया तो आपको एडमिशन कहीं पे नहीं मिलेगा तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो गेम प्ले करना है किस इफेक्टिव वे में करना है ये सारी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों कि कितने गवर्नमेंट सीट्स है टोटल मेडिकल कॉलेज सीट्स इस बार कितना होने वाला है तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं वन बाई वन करके तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्जामिनेशन लिखने से पहले एग्जामिनेशन पैटर्न एंड क्वेश्चन ड्यूरेशन इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो आपका नीट का होने वाला है प्यारे बच्चों तो नीट अगर हम लोग बात करें ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का तो यहां पे एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में ध्यान रखिएगा कि थ्री आवर्स का पेपर आपका होने वाला है थ्री में आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले प्यारे पारे बच्चोंड में आपका जो पार्ट आने वाला है फिजिक्स का जो क्वेश्चन आने वाला है आपका फिफ्टी क्वेश्चन आने वाला है केमिस्ट्री के हम लोग चर्चा करें तो केमिस्ट्री में से भी फिफ्टी क्वेश्चन आने वाला है अगर मैं बायो की बात करूं प्यारे बच्चों तो जैसे कि जानते हैं बोटनी एंड जोलॉजी तो यहां से हंड्रेड क्वेश्चन होने वाला है तो यहाँ पे देखिएगा जो कॉन्टेबल यहाँ पे ऑप्शनल दिया आपको फाइव क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया आपको फिजिक्स में फाइव क्वेश्चन केमिस्ट्री में एंड आपको टेन क्वेश्चन मिला प्यारे बच्चों किसमें बायोलॉजी में ओके तो देखिए सबसे पहला एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एंड पैटर्न को समझ चुके हैं तो देखिए यहाँ पे आपको evaluate होने वाला है क्वेश्चन इन एटी मिनटी इन वन एटी मिनट पे जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है टेन परसेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों डिफिकल्ट जानकर वो डालते हैं ताकि बच्चों का स्कोर हंड्रेड ना आ जाए इसका मतलब फिर भी बच्चे स्कोर कर जाते हैं एक गुड लेवल पे जिनका प्रिपरेशन होता है तो यहाँ पे टेन परसेंट क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होने वाला है यहाँ पे 20 टू 30 परसेंट क्वेश्चन होगा मॉडरेट लेवल होगा बाकी क्वेश्चन इजी होते हैं प्यारे बच्चों क्योंकि आपका जो मोस्टली क्वेश्चन होने वाला है वो थ्योरेटिकल पार्ट से आने वाला है नेक्स्ट हम लोग बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न आपको समझ आ गया होगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न आपको तीन लेवल पे होने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है तो थ्योरी पार्ट आपका ज्यादा होने वाला है स्पीड एंड एक्यूरेसी तो स्पीड आप जैसे कि जानते हैं कि बायो क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो आप सिंगल वे में जैसे क्वेश्चन को देखेंगे आप अटैकिंग मोड में आप क्वेश्चन को करके आ जाएंगे एक रेसी का ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन को आप रीड करें तो केयरफुली रीड करना है कोई भी ऑप्शंस पे आपको डाउटफुल रख रह रहा है तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आगे मूव ऑन कर दीजिए स्किप करके और जैसे ही आपको क्वेश्चन चार पांच सही हो जाएगा फिर से उस बैक ऑफ द माइंड में आपको क्वेश्चन चल रहा होगा तो वहां पर आप क्या करना है क्वेश्चन पे वापस आना है और उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना दोबारा से रिव्यू करने के लिए आप मार्क कर सकते हैं सर्कल कर सकते हैं अपने पेंसिल से और वहां पे दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर डाउटफुल लग रहा है तो आप एक्यूरेसी आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे डाउटफुल छोड़ दीजिएगा आगे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा नेक्स्ट हम लोग बात करें न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल पार्ट में तो ऑब्वियसली प्यारे बच्चों आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट आने वाला है वो बहुत कम आएगा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा आएगा क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वन मिनट का टाइम मिल रहा है तो मिनट्स में आपको बहुत लेंथी न्यूमेरिकल तो आप नहीं कर सकते हो बेसिकली चाहे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री बायो में तो न्यूमेरिकल आएगा नहीं एक आधा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आ जाता है आगे बात करते हैं हम लोग की हाउ टू स्टडी स्टडी किस तरीके से करना प्यारा बच्चों तो देखिए अभी तक जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं ये माइंड में थॉट रखते हैं चलो वीडियो लेक्चर देख लेते हैं क्या पता किसका वीडियो लेक्चर आ रहा होगा जो नीट का क्वेश्चन पेपर लीक कर दे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे है ना कुछ ऐसा लास्ट मोमेंट पे हो जाएगा जिससे मेरा स्कोर आ जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है नीट जब से हो रहा है आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और नहीं आगे कभी होगा तो ऐसा जो बहम आपका माइंड में वो निकाल दीजिए कि वीडियो लेक्चर कोई आएगा जिसमें नीट का को क्वेश्चन लीक हो जाएगा तो और वो नीट जो होगा वैलि होगा तो ऐसा नहीं होने वाला है पहले बच्चों थोड़ा भी उनको डाउट्स होता है वो एग्जामिनेशन सिटी में एग्जाम कैंसिल कर देते हैं तो बहुत ज्यादा वीडियो लेक्चर इसका उसका जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो रहा किसी है किसी का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है दस दस घंटे छे छह घंटे पढ़ाए जा रहे हैं आप पढ़े जा रहे हैं वहां पर तो सबसे बड़ी आपकी बेवकूफी होगी ये काम अगर मैं भी करता हूं प्यारे बच्चों तो आपको ये भी लेक्चर ज्वाइन नहीं करना है इतना बड़ा लेक्चर आपको ज्वाइन नहीं करना है लास्ट मोमेंट पे आपको अपना नोट्स एंड सेकंड जो है प्यारे बच्चों आपका जो खुद का नोट्स बनाया होगा वो रिवीजन आपको करना है हाँ, कोई वीडियो लेक्चर आपको कंप्रसिव है like एक घंटे दो घंटे पर डे दे आप देख रहे हैं जो कि इफेक्टिव वे में आपको स्कोर के लिए बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो लेक्चर जरूर देखिए वो मैं सजेस्ट करूंगा लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर जैसे मान लीजिए छह घंटे सात घंटे आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली वो बिल्कुल नहीं करना है बुक्स अभी कोई भी बुक्स फॉलो मत कीजिए जो आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे उसके थ्रू जाइए जितने भी फंडामेंटल कंसेप्ट हो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट no जो है प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज जो प्रैक्टिस करना प्यारे बच्चों वो कहां से हम लोग करेंगे तो प्रैक्टिस में ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस आपको जब करना प्यारे बच्चों तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस क्वेश्चन पी वाई क्यू के अलावा आप ज्यादा कुछ करने की कोशिश मत कीजिए और इतने कम बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते बहुत तो नहीं कर सकते तो कुछ इंपॉर्टेंट देखिएगा इंपॉर्टेंट लास्ट में इंपॉर्टेंट किस तरीके से होने वाला है तो मैं एक जैसे देखिएगा प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं कि एक लव लेटर डिजाइन कर रहा हूं नीट के लिए जैसे कि मैंने सीबीएसई एग्जाम के लिए किया था तो वहां पे आप जाके अपना पेपर्स को मैच कर सकते हैं लाइव लेक्चर मैंने लिया था बच्चों का तो क्वेश्चंस वहीं से मैंने गारंटी लिया था कि आएगा और क्वेश्चंस आया प्यारे बच्चों आप जाकर देख सकते हो इसमें कुछ झूठ नहीं है तो लाइव लेक्चर में क्या झूठ बोलूंगा है ना तो वहां पे जाकर आप मैच कीजिए तो मोस्टली क्वेश्चंस जो है वहां से आया हुआ है उस तरीके से आपको लव लेटर डिजाइन करके मैं देने वाला हूँ नीट का वो तीन लव लेटर होगा प्यारे बच्चों और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वहां से डिटो कॉपी तो नहीं रिपीट करेगा लेकिन कंसेप्ट कहीं ना कहीं रिपीट करेगा डायरेक्टली तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और वो वीडियो लेक्चर तीन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो अपने जो फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी ऐसे पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर कोई भी जूनियर सीनियर कोई भी देख रहे हैं जिसको आप हेल्पफुल कर सकते हो किसी को भी तो जरूर ये वीडियो लेक्चर शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों और अपने जो प्रैक्टिस है उसमें सबसे पहला आपको क्या करना है

पार्ट एट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आपको फुल एंड टेस्ट पे आ जाना है फुल एंड टेस्ट जैसे लिखना शुरू करेंगे तो फुल एंड टेस्ट से क्या होगा प्यारे बच्चों आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा टू हंड्रेड क्वेश्चन का कि टू हंड्रेड क्वेश्चन में हमें जो है इफेक्टिव मैनेजमेंट किस तरीके से करना है तो टाइम मैनेजमेंट इसमें आपको तेसरी से मिलेगा कि टाइम मैनेजमेंट की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट है तो टाइम मैनेजमेंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो टू हंड्रेड क्वेश्चन है इसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इसमें आपको पहले फिजिक्स अटैम्प्ट करना चाहिए या फिर केमिस्ट्री अटैम्प्ट करना चाहिए या फिर बायोलॉजी अटैप्ट करना चाहिए तो ये कैसे आप सीखेंगे तो जो फुल टेस्ट सीरीज लिखेगा उसमें चेंज करके क्या स्ट्रेटजी देखेगा सबसे पहले एक पहला टेस्ट लिखिए तो उसमें फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायो फिर नेक्स्ट टेस्ट लिखिए तो आपका अच्छा स्कोर नहीं आया तो केमिस्ट्री फिर बायो फिर फिजिक्स फिर नहीं हुआ तो बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके देखिए और अगर जिसमें स्कोर अच्छा आ गया वो स्टिक हो जाइए उसके साथ लास्ट का फाइव टू सिक्स टेस्ट सीरीज लिख दीजिए जिसमें जो आपसे जिस पैटर्न से बढ़िया मार्क्स आया था वही पैटर्न फॉलो कीजिए और लास्ट में एग्जामिनेशन डे में वही पैटर्न फॉलो कीजिएगा कोई भी पैटर्न चेंज मत कीजिएगा अगर आप बायो से स्टार्ट कर रहे हैं तो बायो से ही स्टार्ट कीजिएगा उसके बाद केमिस्ट्री कर रहे हैं तो उसके बाद केमिस्ट्री कीजिएगा और फिजिक्स कर रहे हैं उसके बाद सबसे लास्ट में तो फिजिक्स सबसे लास्ट में ही कीजिएगा आगे हम लोग चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों कि हम लोग का जो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं सीरियस और नॉन सीरियस सीरियस और नॉन सीरियस का मतलब यह है कि जो सीरियस वाले स्टूडेंट्स हैं उसका मतलब समझेगा अगर मैं बात करूं सीरियस स्टूडेंट्स का तो जो सीरियस वाले पार्ट हैं इसमें 80% परसेंट उनका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका होगा या फिर 70% परसेंट प्रिपरेशन हो चुका होगा इनका जो है 20% परसेंट सिलेबस इनका रह गया होगा और इनका 30 परसेंट सिलेबस रह गया होगा ओके तो सीरियस नॉन सीरियस में आप समझ पाए होंगे कि जिनके 80 परसेंट सिलेबस हो चुका है या फिर 70 परसेंट सिलबस हो चुका है 20 परसेंट या 30 परसेंट सिलेबस रहता है उसको किस तरीके से मैनेज करना वो भी आपने पढ़ के जाना है तो तो उसका क्या कीजिए सबसे पहले आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ऑलरेडी जो हो चुका है आपका सिलेबस एटी एंड सेवेंटी उसको सबसे पहले कवर अप करना है क्योंकि लास्ट मोमेंट पर रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रिविजन वाला पार्ट ही जो है आपका स्कोर इंप्रूव करेगा तो सबसे पहले क्या करना है आपको रिविजन वाला पार्ट पे बिल्कुल ध्यान देना है एक फिक्स टाइम रख लेना है आपने इवनिंग का या फिर मॉर्निंग का कोई भी एक फिक्स टाइम कर लेना है जिसमें आपका सिलेबस रहता था उसका वीडियो लेक्चर देखिए या फिर क्लास आपका लग रहा है तो क्लास अटेंड कीजिए और उसी सेम डे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगा लीजिए सो दैट आपका ये भी पार्ट कंप्लीट हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सिलेबस रहता था उसको सेम डे प्रैक्टिस कर देना है ताकि आपका जो सिलेबस 20 परसेंट था वो भी कवर हो जाए या थर्टी परसेंट जो भी था वो कवर हो जाए नॉन सीरियस जिनका 20 सिलेबस ट्वेंटी एटी परसेंट सिलेबस रहता है या फिर 40 सिलेबस सिलेबस कवर हुआ 60 रहता है है 60 रहता तो ये बच्चे क्या करें ये बच्चे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी का फॉर्मूलाज लिख लीजिए और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेटेड है वो सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए और यही सबसे बेस्ट इफेक्टिव मेथड होता है लास्ट के मूवमेंट पे चलिए हम लोग बात करते हैं आगे कि जो टेस्ट सीरीज लिखना है तो टेस्ट सीरीज में हमें किस चीज का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों तो टेस्ट सीरीज में आपको ध्यान रखना है किस चीज का ध्यान रखिएगा कि टेस्ट सीरीज आप लिख रहे होंगे तो यहां पे क्या होगा हो कुछ बे में आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा होगा हो। तो टेस्ट सीरीज आप सीखने के लिए दे रहे हैं यहां पे अगर स्कोर अच्छा नहीं आ रहा तो आप देखिए अपना बिग एरियाज की कौन सा आपका जो वीकनेस है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा रह रहा है कौन सा आपको फॉर्मूलाज नहीं आते थे या फिर आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आया आपका मतलब लुफ एंड फॉल कहां हो रहा है उसको नोट डाउन कीजिए आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर रिपीटेड क्वेश्चन है जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको मार्क कर लीजिए बिल्कुल डार्क कर लीजिए थ्री थ्री स्टार लगा दिए फाइव स्टार लगा दिए जो भी आपको लिखना है तो इन सबको एक नोटबुक में लिखना है लास्ट में जो जो भी टेस्ट सीरीज का स्कोर आ रहा है अपने आपको ट्रैक करना है कि, कि कितना नंबर आ रहा है कैसे आप इंप्रूव कर रहे हैं तो डे बाय डे आपका इंप्रूव होना चाहिए सेम मिस्टेक्स आपका नहीं होना चाहिए तो टेस्ट सीरीज आपको बिग एरियाज फाइंड करके दे देगा

टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा और एक्चुअल में यहां पे आपको इफेक्टिव में कैसे मैनेजमेंट करना खुद को बहुत सिखाएगा तो लास्ट में जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है प्यारे बच्चों वो मॉक टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट में डिफरेंस है डिफरेंस ये है कि टेस्ट सीरीज आप कभी भी लिख सकते हैं जब मर्जी आपको करे आपको लग रहा है कि हमें जो आप टेस्ट देना चाहिए फिजिक्स का प्रिपरेशन हो गया पार्ट टेस्ट उठा के दे दे दीजिए बिल्कुल सकते हैं लेकिन मॉक टेस्ट का मतलब है कि मॉक टेस्ट उस एनवायरमेंट में दीजिए जिस एन्वायरमेंट में आपका पेपर होने वाला है जैसे तीन घंटे का पेपर है प्यारे बच्चों तो तीन घंटे आपको सेम टाइम शेड्यूल के साथ सेम इंटरफेस के साथ आपको कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट है नियर बाई या फिर अपने घर पे उस तरीके का इंटरफेस बना लीजिए और उसी माहौल में बिल्कुल टेस्ट सीरीज लिखना है ताकि आपका जो मॉक टेस्ट है वो आपको टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल जो आपको बायोलॉजिकल माइंड फिट कर दे कि इस टाइम में मेरा नीट का टेस्ट होता है ओके चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि यहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कौन कौन सा है तो सबसे पहले बायो का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको देख पा रहे होंगे तो इसका आप स्क्रीन लेते हैं ले सकते हैं कि लास्ट में जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जा सकते हैं ट्वेंटी डेज में फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों तो मैंने यहां पे लिख दिया है ये टॉपिक्स आप करके चले जाइए बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा आपका क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि लास्ट ट्वेंटी डेज में सारा टॉपिक्स कवर करना पॉसिबल तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट जो लव लेटर्स के थ्रू ही मैं दूंगा तो सारा फार्मूला जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के वो सारा आ जाएगा बायो वाली मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर लेक्चर ले पाए तो जरूर करवाएंगे नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री का पार्ट ये केमिस्ट्री का पार्ट आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों ओके अगर मैं बात करूं लास्ट में जो सीट्स की तो कौन से कॉलेज में कितने सीट्स हैं तो अगर मैं बात करूं सेवनटीन एटीन के रिस्पेक्ट में एटी नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री तो जो गवर्नमेंट सीट है ऑलमोस्ट फिफ्टी थाउजेंड होने वाला है पैर बच्चों और जो यहां पे अगर प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ एड्स हुए सीटें तो कुल मिलाकर लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली वन लैख सीट होने वाला है तो एक लाख सीट्स होने वाला है कि जो कि एक लाख बच्चों को आपको क्या होने वाला है सीट्स मिलने वाला है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मिलाकर तो देखिए अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से कॉलेज है कितने सीट्स देते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं तो यहां पे आपको सारा इंपॉर्टेंट आपको दिया हुआ है कि जो नेम ऑफ ए स्टेट कौन से स्टेट में है गवर्नमेंट कॉलेज है कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं गवर्नमेंट सीट्स कितने हैं प्राइवेट कॉलेज कितने हैं प्राइवेट सीट्स कितने हैं टोटल कॉलेजेस कितने हैं टोटल सीट्स कितने हैं प्यारे बच्चों तो ये आपको दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से कि दिल्ली में एट कॉलेजेस है गुजरात में है, है ना कर्नाटका में ट्वेंटी वन है इस तरीके से अगर मैं बात करूं ट्वेंटी अगर मुंबई मुंबई में बात करूं महाराष्ट्र में तो ट्वेंटी नाइन है इस तरीके से अगर हम बात करें तो इस तरीके से देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में थर्टी है तो कुल मिला जो हमारे कॉलेजेस होने वाले हैं थ्री फिफ्टी गवर्नमेंट कॉलेज होने वाले पैर बच्चों प्राइवेट कॉलेज टू होने वाला है और कुल मिला अगर बात करूँ तो लगभग लगभग एक लाख सीट एक लाख बच्चों को सीट मिलने वाला है तो जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज लास्ट के स्ट्रेटजी में अपना ध्यान रखिएगा कि लास्ट मोमेंट पे जो थ्री आवर्स का इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है उसको बहुत अच्छे से लेकर आइएगा हाँ अगर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात करू तो मैं लेकर आऊंगा वीडियो लेक्चर उस लेबलेटर के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मैं गारंटी लेता हूं कि जो बच्चे देख के जाएंगे वो कमेंट सेक्शन आकर जरूर दीजिएगा कि आपको क्या बेनिफिट हुआ तो यही मेरा स्ट्रेटजी था कि किस तरीके से आप स्ट्रेटजी को फॉलो करके लास्ट मोमेंट पे अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं तो कैसा लगा आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे आप इंप्रूव करना चाहते हैं कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और कैसे पॉइंट्स को आप मैनेजमेंट करेंगे कैसे आप टेस्ट सीरीज लिखेंगे इस चीज को जरूर लिखेगा कमेंट सेक्शन में और अगर मैं बात करूं यहां पर लास्ट मोमेंट पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आता है प्यारे बच्चों की डूज एंड डोंट्स कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज के बच्चों को डिस्ट्रैक्शन है तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले यूट्यूब टेलीग्राम टेलीग्राम्स फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर व्हाट्सएप और अगर हम बात करें प्यारे बच्चों लास्ट तो जिसको हम बोलते हैं कुतवा कुतिया वाला आजकल के को तो पता नहीं क्या हो गया है अपने हट क्या क्या, क्या मतलब ही तो तो जाइए जो बच्चे ये अभी भी कर रहे हैं ना लास्ट मोमेंट पे तो उनके लिए वीडियो नहीं है एक्चुअली में वो प्रिपरेशन अगर प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में भी कर रहे हैं ना कि आपको डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनने का बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और आप इस तरीके का बिहेवियर रख रहे हैं तो अब तो वीडियो लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है तो आप समझ जाइएगा कि अगर मान लीजिए आप स्नैपचैट जिसको बोलते हैं ना कुतवा रहा हूँ स्नैपचैट जो कि पता नहीं क्या ही फिल्टर लगाते रहते हैं बच्चे है ना तो ये बिल्कुल मतलब तो दूर रहिएगा बच्चे वीडियो से भी दूर रहिए वाला नहीं आपको है आपका कुछ स्कोर क्या आएगा वो आपको मालूम ही है जो इनमें बिजी रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ तो YouTube वीडियो से अगर YouTube की बात करो तो YouTube से दूर रहिए YouTube के दूर रखने का मतलब क्या है इसको मिनिमाइज कीजिए कम से कम वीडियो लेक्चर देखिए कि आपको जो इंपॉर्टेंट है जहां पे इफेक्टिव आपको लग रहा है कि स्कोर हाँ, स्कोर में हो सकता है सिर्फ वीडियो लेक्चर देखते जा रहे हैं वीडियो देखते जा रहे हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला क्योंकि आपका माइंड में कुछ फिट होने वाला नहीं है क्योंकि आपका जो ह्यूमन ब्रेन है प्यारे बच्चों वो लास्ट मोमेंट में बहुत स्पीड और फास्ट में काम करता है लेकिन बहुत ज्यादा अगर एग्जॉस्ट कर दीजिएगा माइंड को वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा देख लीजिएगा तो सारी चीजें आपको याद नहीं रहेगा तो वो वीडियो लेक्चर को देखिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दैट इसका टाइम रिड्यूस कीजिए टेलीग्राम यूज़ मत कीजिए क्योंकि इसमें जितने भी नोट्स आते हैं आप फालतू फालतू का टेलीग्राम पे नोट्स आएंगे है ना बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट पे नए नए स्ट्रेटजी आएंगे तो वो चीज़ें फॉलो करने की कोई फायदा है नहीं फेसबुक बिल्कुल बंद कर दीजिए फेसबुक का तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है इंस्टाग्राम कोई स्टोरीज कुछ भी देख रहे हैं तो आप बिल्कुल मत देखिए ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए ट्विटर आपको देखने की अभी जरूरत नहीं है व्हाट्सएप आप कम कर दीजिए व्हाट्सएप बंद नहीं कर सकते क्योंकि आपके फ्रेंड्स का डिस्कशन कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन या ग्रुप डिस्कशन करके आप पढ़ रहे हैं लास्ट मोमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों तो इसको कम कर दीजिए फालतू का डिस्कशन फालतू का चैट बिल्कुल नहीं करना है तो व्हाट्सएप को बिल्कुल रिड्यूस कर दीजिए डूज क्या क्या करना है आपको प्यारे बच्चों तो करना यह कि गुड वे में आपको हेल्दी एन्वायरमेंट में हेल्दी डाइट लेना है हेल्दी स्लीपिंग लेनी है कि लास्ट मोमेंट पे जो स्लीपिंग है आपको स्लीपिंग स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए सात से आठ घंटे का नींद लीजिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है आपको जो अपना प्रिपरेशन का जो प्लानिंग है वो लास्ट मोमेंट पे अकॉर्डिंगली कीजिए जैसा आपका टेम्परामेंट बनता है कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है सात से आठ घंटे पढ़ पाता है रेगुलर दस ग्यारह घंटे पढ़ पाता है जितना स्ट्रेटजी आपका है उसके अकॉर्डिंग पूरे डे 24 फोर आवर्स का डेली प्लान बनाइए डेली शेड्यूल बनाइए कि आपको ट्वेंटी आवर्स में पहल, सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद या सोने के पहले आपको ये प्लानिंग कर लेना है कि अगले दिन मैं क्या करने वाला हूँ कौन कौन सा चैप्टर कवर करने वाला हूँ कौन कौन सा प्रिवियसर क्वेश्चन करने वाला हूँ तभी जाकर आपका जो है ये गुड वे में जो प्लानिंग है तभी वर्क कर पाएगा आप सोचेंगे कि आज ये कर लेता हूं कल ये कर लेता हूँ तो ओवर थिंकिंग करके आप क्या करिएगा ओवर बर्डन हो जाइएगा और अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको नेगेटिव थॉट बहुत आएंगे लास्ट मोमेंट पे लगे यार मेरे से नहीं हो पाएगा छोड़ देता हूं एग्जॉस्ट हो चुका हूं तो ये जो होता है ना मोमेंट कहते हैं ना डरना बहुत जरूरी होता है लाइफ में तो ये आपका एक तरीके कहिए कि आपको डिसिप्लिन करता है और बिल्कुल डिसिप्लिन वे में रहना है जैसे कि सोशल मीडिया से दूर उस तरीके से डिसिप्लिन रखिए खुद को से दूर रहिए कोई कुछ बोल रहा है कहीं भी ऑप्शन दे रहा है तो आपको ये सोचना फालतू नहीं है प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए अपने स्टडी पे फोकस कीजिए लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम देकर आइएगा सोचते रहिएगा ओवर थिंकिंग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा तो अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिएगा तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी मैंने बताया इन सभी को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं प्यारे बच्चों आपका लास्ट मोमेंट पे बहुत ही इंप्रूवमेंट आएगा अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस क्वेश्चंस रह गया या अभी भी कोई माइंड में है बच्चों का तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मैं रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा बाकी आपका लव लेटर डिजाइन हो रहा है ऑन द है कुछ दिन में आपको पब्लिस्ड हो जाएगा प्यारे बच्चों लगभग टू लग लग थ्री डेज में मान लीजिए कि आप फिफ्टीन सिक्सटीन या फिर मैक्सिमम एटीन अप्रैल तक आपका पब्लिड हो जाएगा लव लेटर नीट के लिए तो बने रहिएगा चैनल पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ने। तब तक के लिए जय हिंद